टेरी टॉक लेकर आया है आप सभी के फेवरेट टीवी स्टार्स की लॉकडाउन एक्टिविटीज, जहां हम आपको बताएंगे कि आपके फेवरेट टीवी स्टार्स कैसे कर रहे हैं घर में अपना टाइम स्पेंड। तो सबसे पहले बात टीवी स्टार शाहिर शेख की। जी हाँ, शाहिर ने एक बार फिर अपने सोशल हैंडल पर पोस्ट की है अपनी पुरानी यादों को तस्वीरों के जरिए और बताया है कि जब वो महाभारत की शूटिंग गुजरात में कर रहे थे तब किस तरह उन्होंने सेट पर किया था वर्कआउट सेशन। इसके अलावा शाहिर ने कुछ और तस्वीरों को पोस्ट करते हुए बताया है उनके फेवरेट एक्शन सीक्वेंस के बारे में। और अब बात सीरियल भाभी जी घर पर हैं कि अंगूरी भाभी यानी टीवी स्टार शुभांगी अत्रे की। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज टीवी स्टार शुभांगी अत्रे को आया है बुलावा बिग बॉस सीजन 14 के घर में एंट्री करने के लिए। वेल, अंगूरी भाभी को बिग बॉस के घर में देख फैंस भला कैसे खुश नहीं होंगे, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि बिग बॉस सीजन 14 के इस ऑफर को अंगूरी भाभी यानी टीवी स्टार शुभांगी अत्रे एक्सेप्ट करती हैं या नहीं। और अब बात टीवी स्टार करण वी ग्रोवर की। जी हाँ, करण कर रहे हैं इस मानसून को एंजॉय, वो भी बड़े ही अलग अंदाज में। दरअसल करण ने अपने सोशल हैंडल पर पोस्ट किया है अपना एक वीडियो जिसमें वो बारिश में अपने गैलरी की साफ सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। करण ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है, दैट्स हाउ आई एंजॉय द मानसून। और अब बात टीवी स्टार सुनील ग्रोवर के स्पेशल वीडियो की। जी हाँ, इस लॉकडाउन के दौरान सुनील ने अपने सोशल हैंडल पर शेयर किया है अपना एक वीडियो जिसमें सुनील हो रहे हैं इमोशनल। आखिर क्यों, आइए आपको दिखाते हैं। अभी सर जस्ट गॉट इमोशनल सर, यू नो यू मोटिवेट सो मच, यू से सच नाइस थिंग्स ड्यूरिंग लॉकडाउन ऑल्सो सर, योर गाइडेंस मेक्स मी इमोशनल सर, नथिंग एल्स। Thank you, sir. Thank you. Thank you. Yes, sir. Yes, yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We need to go beyond this. It will be done, sir. It will be done. No problem. और अब बात पॉपुलर टीवी स्टार काम्या पंजाबी की। जी हाँ, काम्या ने अपने सोशल हैंडल पर पोस्ट किया है अपना एक वीडियो जिसमें वो फैंस को दे रही हैं एक जरूरी मैसेज, और वो मैसेज क्या है आप खुद सुन लीजिए। हाय, मैं हूँ काम्या पंजाबी और मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मुझे अपने देश से प्यार है और गर्व भी है। मेरे देश की ताकत है मेरे देश की जनता। आज जितना इंटेलेक्ट हिंदुस्तान में अवेलेबल है उसे पूरी दुनिया मानती है, इसलिए कई सारी ग्लोबल कंपनीज के ग्लोबल सीईओज आज हिंदुस्तानी ही हैं। ये वक्त है आत्मनिर्भर होने का, बी इंडियन बाय इंडियन। बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज चाइना को बॉयकॉट करने की सोच रही है, वजह हम सब जानते हैं। जब सारी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ अपना हाथ बढ़ा रही है तो हम हिंदुस्तानी क्यों नहीं। ये वक्त है देश के साथ खड़े होने का, देश के लिए खड़े होने का। I boycott Chinese products. Do you? Jai Hind.